फाइनली दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F41 में एक नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। इस ये जो अपडेट है ये और अपडेट की तरह छोटा मोटा अपडेट नहीं है जैसे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A20s या फिर किसी और फ़ोन में आते रहते हैं। दोस्तों ये जो अपडेट है ये सबसे अलग है क्योंकि इस अपडेट की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो जिसे दोस्तों 960 MB का। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो अपडेट है दोस्तों इसमें हमें कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये जो अपडेट है ये सैमसंग गैलेक्सी F41 में दे दिया गया है सैमसंग की तरफ से। इस अपडेट की दोस्तों साइज़ की तो मैंने बताई दी आपको 960 MB का है, बट दोस्तों इसमें आपको नए नए फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मिलता है इसमें सैमसंग पे मिनी का फीचर, जिसमें दोस्तों आपने देखा होगा जो फीचर हमें सैमसंग के A सीरीज में देखने को मिलते हैं वो फीचर दोस्तों अब आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 में देखने को मिलेगा इस अपडेट को करने के बाद। और भी दोस्तों कई फीचर हैं जो हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं इस अपडेट को करने के बाद। और दोस्तों सिक्योरिटी पे लेवल की बात करूँ तो वो हो चुका है 1 सितंबर का। तो दोस्तों अगर आपके पास ये अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से इस अपडेट को कर लो, क्योंकि जब भी दोस्तों ये अपडेट आते हैं इस तरीके के तो हमारे फ़ोन में जो बक्स होते हैं वो ही फिक्स हो जाते हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास ये अपडेट आ चुका है तो फटाफट से इस अपडेट को कर लो, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपडेट जो होते हैं उन्हें हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं तो वो दोस्तों ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब हो जाते हैं, फिर वो दोस्तों हमें काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। तो अगर आपके पास ये अपडेट आ चुका है तो इसे अपडेट कर लो और अपने फ़ोन के दोस्तों जो बक्स वगैरह हैं वो दोस्तों फिक्स हो जाएंगे और आपके फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड होकर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।